हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। तो हम क्लास 10 के लिए एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज लेकर आ चुके हैं जो कि केमिस्ट्री से है। केमिस्ट्री क्लास 10, आप अगर आपको स्कोर 95% करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम आपके लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री से लेकर आ चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आप इनका स्क्रीन शॉट ले लें, फिर आप इसको वन बाय वन आपको सोल्यूशन देंगे, इनकी जानकारी देंगे। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, तो व्हाट इज मीन बाय एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच। देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। कौन सी रिएक्शन होती है इन विच इन रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है जिसमें हीट लिबरेट हो। ठीक है, इसमें देखिए आपका एग्जाम्पल क्या बनेगा एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल बनेगा जब N2O2 से रिएक्ट करेगा तो बनेगा 2NO, नाइट्रस ऑक्साइड। ये इसका एग्जांपल होगा एंडोथर्मिक का। मैं राइट करता हूं N2+O2 गिव्स 2NO, नाइट्रस ऑक्साइड है ये। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल होगा कार्बन CO2 के संपर्क में आता है तो बनाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। जब वो एनर्जी बनाएगा तो क्या है हीट लिबरेट होगी इसमें। ठीक है, इसमें एग्जांपल आपको ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक का, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, वो हीट की फॉर्म में होगी। इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, गिव थ्री एग्जांपल फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, इसमें एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है जिसमें कंपोनेंट टूट जाए प्रोडक्ट की साइड में। एक कंपोनेंट है आपको वो प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो दो में टूट जाए, वो होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन क्या होती है कि दो कंपोनेंट एक में जुड़ जाए, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन, और ये होता है डिकम्पोजिशन। इसमें डिकम्पोजिशन के आपके थ्री एग्जांपल पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2020। देखिए, इसमें आपको थ्री देने, एक हीट का, एक सनलाइट का और एक इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए, हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल। जब आप किसी को CaCO3 लाइमस्टन को जब आप हीट करोगे तो वो क्या करेगा CO+CO2, ये क्या है क्विक लाइम और ये लाइमस्टन, तो ये क्या है हीट का एग्जांपल है। आप देखेंगे सनलाइट का, ये तीनों फॉर्म में पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ये बोर्ड में आ सकता है और ये आया भी हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे सनलाइट का 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट की प्रेजेंस में गिव्स 2Ag+Br2, ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके ये सनलाइट रिएक्शन हो गई किसके लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। अब जब आपको इलेक्ट्रोलाइसिस और वाटर पूछेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल क्या होता है इसका, हीट का तो आपको पता है CaCO3 को कन्वर्ट करते हैं CO+CO2, और इसे सनलाइट का आपको एग्जांपल बताया था कि 2AgBr कन्वर्ट होता है जब 2Ag+Br2, 2Ag किसमें होता है वो ग्रे कलर में। और देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का 2H2O कन्वर्ट इनटू 2H2+O2 इलेक्ट्रिसिटी। जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो उसको कन्वर्ट हो जाएगा 2H2+O2 में, तो ये किसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी का। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, हमने ये पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर में से निकाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विक लाइम एडेड टू वाटर। देखिए, जब क्विक लाइम क्या होता है, जब अभी बताया था मैं आपको CaO, यहां देखेंगे CO, जब उसको हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो गए CaOH का होल ट्वाइस, तो ये है इसकी रिएक्शन। आप इसको रिएक्शन लिखेंगे पहले, फिर बताएंगे कि ये कौन सी रिएक्शन होगी। देखिए, इसमें हीट भी लिबरेट होगी, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी थी जिसमें हीट इवॉल्व हो लिबरेट हो, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है जिसमें हीट गेन की जाए मतलब एब्जॉर्ब की जाए, तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक क्या होती है जिसमें हीट लिबरेट हो, तो इसका एकदम ये रिएक्शन ये बनेगी। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, तो ये क्या है क्विक लाइम। ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ये बहुत मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है बोर्ड के लिए।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एग्जोथर्मिक प्रोसेस। देखिए रेस्पिरेशन मतलब श्वास लेना और ब्रीथिंग, तो उसको हमने एग्जोथर्मिक प्रोसेस क्यों कंसीडर किया? वो इसलिए कंसीडर किया जब हम फूड लेते हैं तो ग्लूकोज ही फॉर्म होता है, और जब ग्लूकोज ब्रेथ लेंगे तो ग्लूकोज से ऑक्सीजन जनरेट करेगी तो वो किसमें कन्वर्ट होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, और एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? वो हीट की फॉर्म में, उसी से हमारी बॉडी वर्क करती है। देखिए रिएक्शन लिखेंगे इसकी, इसको रख देता हूं, ग्लूकोज C6H12O6 रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसी से ग्लूकोज रिएक्ट करता है, जब तो हमें एनर्जी मिलती है उसी से हम वर्क करते हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 6CO2 12H2O प्लस एनर्जी, ये इसकी इक्वेशन होगी। ये भी क्वेश्चन अच्छा खासा है, एनसीईआरटी में दे रखा है ये क्वेश्चन, और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन फॉलोइंग। हमने दो रिएक्शन बताए आपको, इसमें आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे, जब आयरन को रिएक्ट कराते हैं कॉपर सल्फेट से तो क्या करता है? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर यहाँ पर सोलर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आयरन जब से रिएक्ट करेगा CuSO4 से तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल आपको दिखा दी होगी स्कूल में, ये मोस्ट प्रायोरिटी इसको देते हैं, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट इसका, ये कौन सी रिएक्शन है? देखिए आपने बताया था हमने आपको, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कंबाइंड हो रहे हो तो क्या कौन सी रिएक्शन होती है? वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप इन पांचों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें या उसको नोटबुक पर राइट डाउन कर लें, हम आपके लिए और भी सीरीज लेकर आते रहेंगे केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, हर एक चैप्टर के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, तो सब्सक्रिप्शन करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऐसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।